गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि मैवेन क्या होता है। हालांकि जेनकिंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने मैवेन को भी वहां पे इंस्टॉल किया था अपने लैपटॉप के ऊपर और उस पर बहुत सारा काम किया था, लेकिन मैंने तब आपसे ये बात कही थी कि मैवेन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में लेक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि मैवेन क्या होता है। इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में मैवेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातें आज आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया तो मैवेन के बारे में जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं या जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो टेंशन फ्री होकर आज का लेक्चर देखना। तो पहले सबसे बुनियादी बात, जब भी इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है ना कि हम मैवेन क्यों यूज करते हैं, जो सबसे बेसिक जवाब हम देते हैं वो जहां भी आप कहीं चले जाए या सीनियर भी बंदा होगा ना वो यही कहेगा कि मैवेन इज अ बिल्ड टूल। सबसे पॉपुलर आंसर यही होता है कि मैवेन क्या है, मैवेन एक बिल्ड टूल है। हम जनरली यही बोलते हैं कि मैवेन इज अ बिल्ड टूल, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मैनेज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्यों हम मैवेन इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट मैनेजेस डिपेंडेंसीज। अभी दोनों चीजें आपके लिए नई है, आप कहेंगे कि सर क्या मतलब है डिपेंडेंसी का, आप कहेंगे सर क्या मतलब है बिल्ड का, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं बुनियादी बात बता दूं कि आखिर मैवेन क्यों इस्तेमाल किया जाता है और सही जवाब क्या है। तो हाय, आई एम एक्साइटेड टू ब्रिंग टू यू टुडे अ यूनिक कैरियर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सिंपली लर्न, फाइनली एन ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग पीजी प्रोग्राम दैट इज फियर्सली कैरियर फोकस्ड, ट्रेन इन अ हाई एंगेजमेंट लाइव ग्लोबल क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद कैलटेक सीटीएमई। दिस एक्सक्लूसिव कोर्स विल गेट यू मास्टर क्लासेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, अ जॉइंट पीजी सर्टिफिकेट विद कैलटेक सीटीएमई एंड द कैलटेक सीटीएमई सर्किल मेंबरशिप, ऑल एट फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री फी एंड विदाउट लीविंग योर जॉब। व्हाट्स मोर, the industry's top practitioner have designed this hands-on learning path with 38 plus most in-demand skills and tools and 30 plus industry projects on integrated labs. Complete a final capstone in 4 domains and showcase your readiness for top-level jobs by strengthening your CV. Ace the 3 top cloud platform Azure, AWS and GCP in one single program and get ready for major hiring companies such as Microsoft, MX and Amazon. Click on the link in the description to learn more now. देखिए, सबसे बुनियादी जवाब जो दिए जाते हैं, हालांकि ये सही जवाब है, गलत नहीं है, बट एक्चुअल में मैवेन ना तो एक बिल्ड टूल, इसका जो असल मकसद है ना वो ना तो बिल्ड टूल है ना डिपेंडेंसीज को मैनेज करना है, असल मकसद ये नहीं है। ये दोनों काम करता है और दोनों ही आंसर भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर गलत है, लेकिन इसका जो असल मकसद है, ये चीज, ये जिस काम के लिए बनाया गया है। अब जैसे आप ना ऐसे समझे कि मैं कहूं कि भाई मोबाइल फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप कहेंगे सर फोटो खींचने के लिए, लेकिन असल मकसद तो मोबाइल का फोटो खींचना नहीं है, उसका असल मकसद क्या है, का असल मकसद है बात कराना, हमारी एक बंदे की दूसरे बंदे से बात कराना। लेकिन आजकल मोबाइल किस बेस पे खरीदे जाते हैं कि कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, तो कुछ ऐसा ही है कि चीजें बदल गई, असल मुद्दे बदल गए हमारे, है ना। ऐसे यहां पर मैवेन जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये एक बिल्ड टूल है, लोग कहते हैं ये डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, लेकिन मैवेन जो है उसका जो बुनियादी काम है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो है मैवेन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए यहां से शुरुआत कर रहा हूं। मैवेन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, बाकी दोनों बातें ठीक है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट को, और कौन से प्रोजेक्ट को, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जावा प्रोजेक्ट को। जावा के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पूरे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की क्षमता रखता है ये बंदा, ये काबिलियत रखता है, ये कुव्वत रखता है कि भाई मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट संभाल सकता हूं, उसके सोर्स कोड से लेके टेस्ट कोड से लेके उसमें डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, रिसोर्सेज सबको मैनेज कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक टूल ना होकर पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, जावा के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने की काबिलियत रखता है आपका मैवेन, ठीक है। तो पहली बात, बुनियादी बात जो हमने सीखी वो हमने ये सीखी कि मैवेन बिल्ड टूल तो है ही, डिपेंडेंसीज को तो मैनेज करता ही है, पर उसका असल मकसद क्या है, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, वो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। अब आप कहेंगे कि सर प्रोजेक्ट से क्या मतलब है, या क्या आप कहना चाहते हैं, या किस तरह के प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बिल्कुल बुनियादी बात करूं, मैं जावा की बात करूं, जो लोग जावा जानते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं जानते कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो आपको समझना है।
तो जावा जो है, अगर जावा एक लैंग्वेज है आप ऐसा समझ लें, ठीक है ना, तो हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई वेबसाइट बनाई जो हमें जावा में बनानी है, जावा कोड हम कर रहे हैं उसकी, जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, वो जावा, एक्चुअली जावा में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। जावा में आप क्या करते हैं, आप कोई भी आईडीई ले लेते हैं। ये सब क्या होता है, आईडीई क्या होता है, ये डिटेल में आप ना जाएं, ठीक है, मैं इसमें नहीं जा रहा, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हमें इसकी जरूरत नहीं है समझने की, तो डोंट वरी, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो सिर्फ उतना ध्यान रखें जितना मैं बता रहा हूं। तो जावा में अब आपने आईडी का इस्तेमाल किया आपने, या फिर एक्लिप्स नाम के किसी उसका इस्तेमाल किया, आईडी का इस्तेमाल किया, और आपने वहां पे अपना कोड लिखना स्टार्ट किया उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आप कोई एप्लीकेशन जावा में बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वहां पे तरह तरह के कोड लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन जावा में क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपने एक डिफाइन कर दिया कि ये प्रोजेक्ट यहां बनेगा, इस तरीके से बनेगा। वहां पे आप तरह तरह के कोड लिखते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं, कोडिंग करते हैं उसकी, टेस्ट कोड उसका लिखते हैं, फिर डिपेंडेंसीज जार फाइल्स जो होती हैं वो आप डाउनलोड करते हैं जगह जगह से थर्ड पार्टी। अब आप इसको ऐसे समझें कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई जिसमें मुझे MySQL की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक वेबसाइट बनाई जो मेरे MySQL को एक्सेस करना, उसमें मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर ये यूसेज है कि मुझे MySQL सर्वर पे जाना है। तो अब मेरा जो सर्वर है, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, वो MySQL सर्वर के पास जाए, ये मैंने उसको मतलब किसी डेटाबेस के लिए उसको जाना है उसके पास। तो अब वो इससे कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसके लिए मेरे को यहां पे एक MySQL कनेक्टर लगाना पड़ेगा। समझे बात को, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में भी आपको समझा देता हूं कि आप ऐसा समझें कि ये एक बंदा है, ठीक है, भूपिंदर, ये भूपिंदर है। अब भूपिंदर ने जो है, भूपिंदर ने जाना है चांदनी चौक, ठीक है ना। अब मैंने चांदनी चौक जाना है तो मैं पैदल नहीं जा सकता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूं चंडीगढ़ में, तो मैं चंडीगढ़ से पैदल तो नहीं जा सकता, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मैंने कार करनी पड़ेगी। अब ये जो कार है ना गरीब आदमी की, देखें ये छोटी सी कार मैंने बनाई है, ठीक है, हालांकि मेरे को चलानी नहीं आती, मैं बेकार हूं, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि कार। तो अब ये कार क्या है, ये कनेक्टर है, क्योंकि ये मुझे यहां से यहां लेके जा रहा है ना। ऐसे यहां पे मेरी एप्लीकेशन जब MySQL सर्वर तक जाएगी तो किसी कनेक्टर की मदद से जाएगी। अब ये जो कनेक्टर्स होते हैं, ये जो जार फाइल होती है, .jar file, .var file, ये क्या होता है, जावा आर्काइव, जिसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो और .var का मतलब होता है वेब आर्काइव, है ना। तो ये कुछ फाइल्स होती हैं, फाइल्स आप ऐसा समझें कि जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे इस कार की जरूरत पड़ेगी चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए। बहरहाल उस कार का मुझे और कोई मकसद नहीं है, मैं उस कार को खा नहीं सकता, मैं उस कार में फसल नहीं उगा सकता, उस कार का मकसद क्या है, बुनियादी काम क्या है, काम यही है मुझे यहां से वहां लेके जाना। तो यही मेरे कनेक्टर का काम है, और यही मेरी जार फाइल वार फाइल करती है, इनका भी काम यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह तक किसी दूसरी पार्टी के एप्लीकेशन के पास लेके जाना है, किसी दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कराना है। तो ये इस तरह की डिपेंडेंसीज काम आती है, ठीक है ना। डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज यही होती हैं। अब जैसे हम लाइब्रेरी टर्म का इस्तेमाल करेंगे कई जगह, तो लाइब्रेरी जब हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर या मैवन के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस लाइब्रेरी से मतलब क्या है, इस लाइब्रेरी से वही मतलब है जो असल में एक यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में क्या काम होता है, काम यही होता है जो चीजें आपकी किताबों में नहीं है वो आप लाइब्रेरी में जाकर फाइंड आउट कर सकते हो, वो किताब आपको हो सकता है वहां मिल जाए, कोई दूसरी किताब मिल जाए उसमें वो टॉपिक मिल जाए, यानी जो टॉपिक आपके पास नहीं है आप लाइब्रेरी में जाके किसी दूसरी किताब में से फाइंड आउट कर सकते हो। ये काम यहां पे लाइब्रेरी का होता है कि कोई सॉफ्टवेयर में मेरे को कोई काम कराना है किसी चीज से, और वो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी में से उस तरह का सॉफ्टवेयर लेके आऊंगा जिसमें ये काबिलियत है वो काम कराने की। समझ रहे हैं आप, तो लाइब्रेरी का मकसद यही है, जो काम आप नहीं कर सकते आप लाइब्रेरी से डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लो, सॉफ्टवेयर कर लो और उनसे आप वो काम करा लो। बात समझ आ रही है, लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज यही होती है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, अब डिपेंडेंसी का मतलब है कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, मैं उस पर पूरे तरीके से, आप कहें कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब डिपेंडेंसीज वही है कि भाई मेरे को अगर चंडीगढ़ से चांदी चौक जाना है तो मेरी डिपेंडेंसी क्या है, ये कार है, क्योंकि कार नहीं होगी तो मैं जा नहीं सकता। आप कहेंगे बस से चले जाए, तो बस भी तो एक डिपेंडेंसी है ना, उसके बिना तो नहीं जा सकता मैं, तो ये डिपेंडेंसी यानी मेरी मजबूरी है। तो डिपेंडेंसी लाइब्रेरी, आई होप ये बुनियादी बातें आपको समझ आई होंगी। अब देखिए मैं ना अभी आपको और थोड़ा डिटेल में लेके चलूंगा मैवन के, कि मैवन में हम क्या क्या करते हैं। तो अब मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की। तो मैं आपको अगर ये बताऊं जी जावा, अगर मेरे को जावा का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक बार उसको देख लेते हैं।
तो देखिए बुनियादी तौर पे जावा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, उस स्ट्रक्चर में, जावा का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम जावा का एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए जावा का ना कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं होता कि इसमें ये चीज यहीं आनी है ये, उसमें आप तरह तरह के कोड इकट्ठे करते हैं, फिर उसको एक जगह एक क्लब करते हैं, एक डायरेक्टरी या फोल्डर बनाते हैं और आप कहते हैं जी ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। यानी वहां पे आपके पास कोई डिफाइन ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप प्रोजेक्ट बना दें। आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप ऐसा समझें कि देखे दो तरीके होते हैं किसी सामान को रखने के भी ना, एक तो ये होता है कि हमने सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है, एक होता है कि बनी बनाई एक अलमारी लेके आए, उस अलमारी में जगह है कि जी कोट यहां टांगना है, छोटे सामान यहां रखने हैं, बिजली के सामान यहां रखने हैं, जूते यहां रखने हैं, यानी पहले से स्ट्रक्चर है। अब किसी भी बंदे के घर में वो अलमारी जाएगी ना तो उसे वो वैसे ही इस्तेमाल करेगा, कोट वाली जगह में ही वो कोट लगाएगा, क्यों दूसरी जगह क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह ही नहीं है, कोट की जगह वो अलग से ही बनी हुई है, स्पेसिफिक बनी हुई है, यानी वो स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन है। जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में आप क्या करते हैं, आप अपना एक कोड बना लेते हैं, आपने अपना सोर्स कोड बनाया, तरह तरह के कोड इकट्ठे किए, लिखे, ये सब काम करा, उसके बाद आप उसको रन कराते हैं, आप अपने बंदे को कहते हैं यार ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक फोल्डर में आपने सपोर्ट डाल के सारे कोड सारी कोडिंग करके आपने उसको दे दी। अब वो बंदा उसको क्या करेगा, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, खैर उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि जावा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर हम जावा पे काम कर रहे हैं। देखिए सोर्स कोड का मतलब क्या है, वही आपका प्रोग्राम जो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपने इस्तेमाल किया है, सोर्स कोड का मतलब वही है। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, उसके बैक एंड पे हम जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको सोर्स कोड कहते हैं। तो अब एक तो हमें सोर्स कोड लिखना पड़ेगा जावा का, ठीक है, वो अपने प्रोजेक्ट का हमने सोर्स कोड लिखा, फिर हमें उसका टेस्ट कोड भी लिखना पड़ेगा, टेस्ट कोड टेस्ट केसेस जो हमारे उसके होंगे उनकी भी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। हम ये कहेंगे कि भाई ये फलाना फोल्डर आप पहले बनाएंगे एक्स वाई जेड, इसके अंदर फिर एक एबीसी नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर डॉट जावा नाम का एक फोल्डर बनाओगे। यानी इस तरीके से आप क्या करोगे, आप उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि ये स्ट्रक्चर डिफाइन है भाई, है ना, जावा के अंदर, मैवेन के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। अब वो अपने आप एक मसला है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, आपने जावा पे बहुत अच्छे से काम नहीं किया, तो आप नहीं जानते कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जो कि फिक्स्ड होता है, जिसपे कि आपको पता होता है कि इसके अंदर ये फोल्डर आना ही आना है, तभी ये फाइल इसको कनेक्ट कर पाएगी या ये कोड रीड कर पाए, मेरी मशीन जो है इस कोड को रीड कर पाएगी, क्यों आपको उसी तरीके से स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो अब वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, उसके अंदर एसेट्स आ जाएंगी, बहुत सारी डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर आ जाएंगे, तरह तरह के फोल्डर आपके होंगे जिनको आपको उसको डिजाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर यही आएगा, इसके अंदर यही फोल्डर आएगा, इस तरीके से। अब डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरी की जो मैंने बात करी थी वो भी इसके अंदर है, आपको वो बहुत सारी डिपेंडेंसीज, और कोई भी एक प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं ना जावा के, कोई भी जावा का प्रोजेक्ट है, तो आपको 10 20 15 इट डिपेंड्स ऑन द क्लासेस एज वेल कि 10 क्लासेस हैं कि 20 क्लासेस है, कितनी क्लासेस है जावा के अंदर, तो वहां पे आप उसके बेस पे आप बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आपको उसमें क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप MySQL भी इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कुछ और फलाना XYZ चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली जाके, और ये आसान काम नहीं है। अगर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको 20 से 25 डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, तो ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है, आपकी सिरदर्दी है, अगर आप एक भी भूल गए तो वो काम वहां नहीं हो पाएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अब फिर जब दूसरे बंदे के पास आप ये कोड भेजोगे, ये प्रोग्राम भेजोगे, ये कोडिंग भेजोगे सारी चीजें, तो उसको भी वहां अपने एंड पे वो डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो ये एक बड़ा टास्क है, मतलब बड़े प्रोजेक्ट में ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि डिपेंडेंसी को बार बार डाउनलोड करके लाओ। अब कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ये है कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, पर उसकी सेटिंग भी तो आपको करनी पड़ेगी ना। जैसे आप फर्स्ट टाइम मोबाइल खरीदते हैं तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही करते हैं सबसे पहले, उसका कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, मोबाइल जैसे ही ऑन करोगे सबसे पहले वो आपसे बोलेगा कि वाईफाई से कनेक्ट करिए, तो आप अपना वाईफाई पासवर्ड डालोगे तो मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो कहेगा अपना जीमेल आईडी डालिए, आप अपना जीमेल आईडी डालेंगे, फिर वो आपसे कहेगा आप अपना डिसाइड करिए थीम डार्क रखना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह के आइकन्स और थीम चाहते हैं, फिर वो आपसे और चीजें पूछेगा, फिर वो कहेगा अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट कर लीजिए। यानी कि आप जब किसी मोबाइल को खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऐसे ही जब एप्लीकेशन बनाएंगे, कोड वोड कर लेंगे, उसकी कोडिंग कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसकी। अब वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आपका जैसे ही पूरा हो गया तो फिर टास्क रनर,
अब ये अपने आप में एक बड़ी मुसीबत का काम है कि मैंने जो कोड लिखा है उसको रन कराओ, बिल्ड कराओ, टेस्ट कराओ, है ना, ये सारे काम करके देखो। और ये बटन दबाने से नहीं होंगे, यहां पे इसके लिए भी आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग मैं भेजूंगा कि ये वाला कोड लिखो तो ये बिल्ड हो जाएगा, ये वाला कोड लिख के चलाओ तो ये रन हो जाएगा, ये वाला कोड लिख के चलाओ तो ये टेस्ट हो जाएगा। अब वहां पे भी आपको कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब करनी पड़ रही है, बड़ा सारे मसले हो रहे हैं। और फिर एंड में रिपोर्टिंग की, भैया कितनी डिपेंडेंसी मैंने डाउनलोड की हुई है, कितनी लाइब्रेरीज मेरे से कनेक्ट है और क्या क्या चीजें मैंने कनेक्ट की हैं, कितने बाइनरी बिट्स का मैंने अपना कोड लिखा है या कितने अल्फाबेट्स का मैंने कोड लिखा है, बहुत सारी चीजें। तो रिपोर्टिंग का मतलब है कि ओवरऑल मैंने क्या क्या किया है वो मुझे बताओ, मेरा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है ये मुझे बताओ, कैसा काम कर रहा है, क्या चीजें फेल्ड हो रही है, क्या सक्सेसफुल हो रही है, सब कुछ मुझे बताओ। तो यानी ये सारा काम एक जावा प्रोजेक्ट में बुनियादी तौर पर किया जाता है। और यहां पे ना हर चीज मुश्किल है, मतलब मुश्किल इन द सेंस कि एक बंदा नहीं कर सकता और एक बंदे की बस की बात नहीं है इन सारी चीजों को मैनेज करना, और कर भी लिया तो आगे वाला नहीं समझ पाएगा इसने क्या करके भेजा है। उसने 50 फाइलें भेजी हुई है मेरे पास, अब कौन सी रन करानी है पहले, कौन सी बाद में, कौन सी उसके बाद में, कुछ नहीं समझ आ रहा। उसने तो एक फोल्डर बना के भेज दिया कि ये प्रोजेक्ट है बना लो। अब वो बंदा तो कर सकता है उस पे काम जिसने इस पे काम किया, एक्चुअल में जिसने कोडिंग करी है, सोर्स कोड लिखा, उसको तो सब पता है। अब जब दूसरे बंदे को वो काम देंगे उसके तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, भाई क्या दे दिया इसने ये, है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या बवाल है। मेरे जैसा नया बंदा हो कोई, है तो वो तो फिर चार गाली देके ये और कहेगा अपना भाई लैपटॉप रख लो इज्जत के साथ, मैं कल से नहीं आऊंगा, मुझे माफ करो। तो ऐसा ना हो इसके लिए अब हमने क्या किया, मैवन टूल आया। वो कहता क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना, जैसे वो अलादीन का चिराग आता है ना, अलादीन के चिराग में से जिन निकलता है, वो कहता है क्या हुकुम है मेरे आका। मैवन कुछ ऐसा ही है, मैवन कहता है यार मुझे बताओ ना क्या लेके आना है, आप कहते हो यार डिपेंडेंसी लेके आनी है, वो कहता है मैं लेके आता हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मैवन क्या करता है, आपके काम को आसान कर देता है। जो सारे काम अभी आप कर रहे थे, आप डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने में लगे हुए थे, यहां से वहां से परेशान थे, वो सब काम मैवन अपने आप कर देता है। मैवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से आज मैवन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नो डाउट एक बिल्ड टूल है, नो डाउट ये डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, पर सबसे बड़ी बात मैंने मैवन जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है और बुनियादी तौर पे ये जावा प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले जो टूल इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था आंट, तो आंट अब हम इस्तेमाल नहीं करते। आंट मतलब वही चींटी, चींटी जो होती है ना उसको आंट, तो वो पहले हम इस्तेमाल करते थे जावा के लिए, अब हम मैवन इस्तेमाल करते हैं। और अभी मार्केट में एक और नया टूल आया ग्रेडल, तो वो भी आप इस्तेमाल करते हैं ग्रेडल नाम से। तो लेकिन ग्रेडल जो है नया है, लेकिन मैवन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मैं आपको मैवन पढ़ा रहा हूं इस डेवॉप्स में, मैं आपको मैवन पढ़ा रहा हूं। अच्छा एक चीज और कि जैसे कई सारे लोग कहते हैं सर इस डेवॉप्स की सर्टिफिकेशन के बारे में आप बताएं कि हम कौन सी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि हम जो डेवॉप्स पढ़ रहे हैं ना ये ओएसएस डेवॉप्स है, ये ओएसएस डेवॉप्स हम पढ़ रहे हैं, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवॉप्स, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं इस डेवॉप्स के अंदर वो सारे ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आप ना इसमें इसकी कोई अलग से इसके आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन नहीं आते, लेकिन इसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे Kubernetes का अपना सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, डॉकर का आप अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और उनकी एज सच मार्केट में नो डाउट वैल्यू है, बट ऐसा कोई आपसे नहीं कहेगा कि डेवॉप्स का सर्टिफिकेशन पहले लेके आओ फिर नौकरी लगेगी। अगर आपको काम आता है, अगर आपको इन सारे टूल्स पे हैंड्स ऑन अच्छा है, आपकी पकड़ अच्छी है, आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब चले, मैंने आई होप आपकी एक पिक्चर क्रिएट कर दी है, जिस जो मेरा असल मकसद था कि पहले एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि मैवन क्या करता है। अब बिल्कुल जीरो से चलते हैं, मैवन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एंड तक चलेंगे, डिटेल में देखेंगे कि मैवन आखिर क्या करता है। तो अब जरा मैवन की डेफिनेशन से लेके उसके बारे में हर एक छोटी छोटी बात हम जान लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहां पे डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि मैवन इज एन ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट टूल डेवलप्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे सर मैनेजमेंट टूल, आपने तो हमें पढ़ाया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, तो बिल्कुल सही बात है, ये मेरे से भी यहां मिसिंग हो गया। मैवन इज एन ऑटोमेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, आप बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आप जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, आप खुद से करेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी मेरे मैनेजमेंट टूल बोलते हैं कि सर प्रोजेक्ट मिसिंग है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, मेरी तरफ से थम्स अप। तो
Maven is an automation and project management tool developed by Apache Software. Apache Software ने ये भी बनाया था, इससे पहले Ant भी बनाया था, ठीक है, हालांकि ये मेरे ख्याल से बनाया किसी और ने था, बाद में Apache ने इसको टेक ओवर कर दिया, या हो सकता है Apache ने डेवलप भी किया हो मिलके, ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं है. Apache Software Foundation, it is based on POM. तो Maven के अंदर सबसे important जो file होती है वो POM.xml होती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम करेंगे. और शायद हमने लैब में देखा भी था, जेनकिंस वाली लैब में POM.xml नाम से एक फाइल थी. तो उसमें POM की फुल फॉर्म क्या थी, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, और XML की फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. तो POM.xml बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है Maven के अंदर, जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सारी डिटेल होती है, कौन सा फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर होना चाहिए या कौन सा होगा, वो सारी ऑलरेडी कन्वेंशंस जिन्हें आप कह सकते हैं, वो कन्वेंशंस इसके अंदर मौजूद होती हैं. आप उन कन्वेंशंस से हटके भी काम कर सकते हैं, आप खुद की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है. तो खैर उसकी डिटेल में भी जाएंगे अभी. तो इट इज अ बेस्ड ऑन POM. POM मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी ये एक प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे थे कि ये आपको एक्चुअली में क्या प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है ये, तो ये आपको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में चीज को देता है, अलमारी की फॉर्म में, जहां हमें पता है कि कोट कहां लगाना है, जूते कहां रखने हैं, तो ये ऑलरेडी उस मॉडल पे काम करता है. Maven can build any number of projects into desired output. ये कितने भी number of projects बना सकता है, ठीक है, और repetition आप इसमें कर सकते हैं, same source code को चला सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये code मैंने यहाँ चला दिया, दूसरे बंदे के साथ share करूँगा तो उसको कुछ नया add on करना पड़ेगा, ठीक है. कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं मेरे यहाँ पे, तो क्या हो गया भाई, चले कोई बात नहीं, इन्हें भी भौंकने दे, मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, चले. कुछ लोग बड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं कई बार ना, कोई बाहर से शोर भी आ रहा हो, तो चले भाई थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, ठीक है, उनकी भी जिंदगी है, उन्हें भी जीने दे. अच्छा, Maven can build any number of projects into desired output such as .jar, .var या metadata. तो आप जैसा भी आउटपुट चाहते हैं उस आउटपुट में Maven आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करके दे सकता है. Mostly used for Java based project. ये बहुत important है. Maven को इस्तेमाल ही Java projects के लिए किया जाता है, जहाँ पे सारी programming Java में की गई हो, ठीक है, सारी coding वोडिंग आपने Java में करी हो. It was initially released on 13 July 2004 को ये generally दुनिया में आया था, पैदा हुआ था. Maven is written in Java. ये भी important है, Maven खुद भी Java के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है. और Maven का अपना एक मीनिंग होता है, मेरे ख्याल से ये मीनिंग यिडिश लैंग्वेज में होता है. यिडिश लैंग्वेज के अंदर Maven का जो मतलब होता है वो होता है accumulator of knowledge. Accumulator, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या मतलब होता है, accumulator का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, सारी चीजों को एक जगह पर ले आना, accumulate कर देना. तो सारी नॉलेज को एक जगह accumulate करने को Maven कहते हैं, उस वर्ड का मतलब जो है ये है. तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया है, Maven नाम दिया है, कि इधर की लाइब्रेरी, उधर की लाइब्रेरी, इधर की डिपेंडेंसी, उधर की डिपेंडेंसी, ये इकट्ठा. देखिए हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती थी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये वही भानुमती है, ठीक है. तो चले अच्छी बात है. Maven helps in getting the right jar file for each project as there may be different version of separate packages. आपको कौन सा पैकेज चाहिए, आपको कौन सी जार फाइल चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, वो सब Maven की जिम्मेदारी है, Maven को पता होता है. अब ये कुछ ऐसा है, आप इसको ऐसे समझें कि जैसे ना हमें कई चीजों के तजर्बात नहीं होते, जैसे अब हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादा चावल ले लेते हैं, ठीक है. अब खाने वाले दो है, हमने इतने सारे चावल लेके उबालने रख दिए, इतने सारे चावल हो गए, आधे खराब हो गए. पर ये चीज ना, अगर आप अपनी मदर के सामने, अपने फादर के सामने, अपनी दादी के सामने वो अगर बना रही है, तो अगर आप उन्हें बता देंगे ना चार आदमियों का बनना है, तो उनका आइडिया इतना अच्छा होता है कि वो उतने ही चावल उबालती है कि चारों का पेट भी भर जाता है और खाना खराब भी नहीं होता. दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, या आप उसे कह सकते हैं कि उनका वो विजन है, उनको पता है ये कितना खाएंगे या इनको क्या चाहिए. ऐसे ही Maven जो है उसको पता होता है जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कि ये किस वर्जन पे चाहता है, ये किस वर्जन पे काम करना चाहता है, क्योंकि इसने जो काम किया है इसने उस वर्जन के अकॉर्डिंग किया है, तो मुझे इसे लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी भी उसी वर्जन की लाकर देनी पड़ेगी, तभी ये काम चल पाएगा. उसको पता होता है, जैसे डॉक्टर को आपके मर्ज का पता होता है, आप सिर्फ उसे ये बताते हो मुझे खांसी है पर चार दिन से, पांच दिन से है, डॉक्टर कहता है टेस्ट करा ले, क्योंकि उसको पता है कि पांच दिन से ज्यादा खांसी टीवी भी हो सकती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है ना ये Maven को पता होती हैं. चलें अच्छी बात है. अब टू
टू डाउनलोड डिपेंडेंसी, अब देखें यहां पे भी एक अच्छी बात लिखी गई है कि टू डाउनलोड डिपेंडेंसीज इट इज नो मोर नीडेड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईच सॉफ्टवेयर। अब डिपेंडेंसीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है कि इसको वहां से डाउनलोड करके लाओ, उसको यहां पे करके लाओ, मैवन अपने आप करेगा। आप मैवन के अंदर उसी कन्वेंशन में आप उसी हिसाब से काम करें जैसा मैवन ने बताया, बाकी जिम्मेदारी मैवन पे छोड़ दें, वो अपने आप करेगा। बात समझ आ रही है? ये कुछ ऐसे है जैसे कि हम हमारा घर जब शिफ्ट करते हैं पैकर एंड मूवर से, तो हमें उन्हें सिर्फ ये बताना होता है हमें कहां से कहां जाना है, बाकी सारा काम उनका है। सामान को कैसे पैक करना है कि वो ना टूटे, उसे किस तरीके से लेके जाना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। सेम ऐसे ही मैवन की जिम्मेदारी है। आप तो उसको ये बता दें आप क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, बाकी जिम्मेदारी मैवन पे छोड़ दें, क्या डाउनलोड करके लाना है वो अपने आप लाएगा। तो इसीलिए मैवन इतना पॉपुलर है आज की डेट में, और किसी भी जावा के प्रोजेक्ट पे अगर कोई जावा डेवलपर है तो वो आज की डेट में मैवन पे काम करता ही करता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने भी अगर कोई चीजें चाहिए तो आप mvnrepository.com पे जाके जाएंगे, आप सारी डिपेंडेंसीज आपको वहां नजर आ जाएंगी, सारी लाइब्रेरी आपको नजर आ जाएंगी। अब बार बार हम दो टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज और रिपोजिटरीज, इसका क्या मतलब है मैंने यहां लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है इट रेफर्स टू द जावा लाइब्रेरीज दैट आर नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी किसी काम को करने के लिए मुझे जो एक जरूरी चीज है जो मेरे पास नहीं है मैं उसे वहां से उठा के लाऊंगा, मैं लाइब्रेरी से। मैंने आपको बोला कि मुझे स्पेसिफिक टॉपिक की पढ़ाई करनी है, मेरी किताब में नहीं है, तभी मैं लाइब्रेरी में जाता हूं उस टॉपिक को ढूंढने दूसरी किताबों में, तभी हम जाते हैं ना। खैर आप कहेंगे नहीं हम तो लाइब्रेरी किसी और वजह से जाया करते थे, चले उस बात को यहां ना करें, ठीक है वो कभी अकेले में करेंगे, चले अच्छी बात है। तो रिपोजिटरीज की बात करें तो रिपोजिटरीज में क्या है, रेफर टू द डायरेक्टरीज ऑफ पैकेज जार फाइल्स, ठीक है, यानी जार फाइल्स जो है उनका पैकेज। रिपोजिटरी का मतलब एक स्टोरेज होता है, आप अगर इससे नहीं आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो आप रिपोजिटरी को एक ऐसी स्टोरेज समझें जहां मेरी जार फाइल पड़ी हुई है। जार फाइल क्या होती है, जार फाइल ऐसी फाइल है जो जावा में काम आती है, जावा आर्काइव, जावा प्रोजेक्ट्स में काम आती है, बस इतना आप याद रखें। अब बिल्ड टूल्स, अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कौन से बिल्ड टूल चाहिए होते हैं। जैसे कि सी सी प्लस प्लस के लिए मेक फाइल होता है, .NET के लिए विजुअल स्टूडियो का आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जावा के प्रोजेक्ट को अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास एंट भी होता है, मैवन भी होता है, और अभी ग्रिडल भी आ गया है, ठीक है। तो ये बिल्ड टूल आप कहां पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जावा के लिए मैवन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इट मैनेजेस जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, इट मैनेजेस जावा प्रोजेक्ट। मैवन क्या करता है, मैवन मैनेजेस जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप काफी सारी बुनियादी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि भैया मैवन क्या काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कब ये बना, पॉम क्या होता है। अब जरा और डिटेल में चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि भैया प्रॉब्लम्स क्या आएंगी अगर हम मैवन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है, एडिंग सेट ऑफ जार्स इन ईच प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज या कहें कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर टूल्स की जरूरत पड़ती है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अब अगर वो नहीं है तो फिर वो एप्लीकेशन प्रॉपरली रन नहीं करेगी। इवन एक वेबसाइट की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हालांकि इस पे बिल्कुल सूट नहीं करता बट फिर भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। आप देखें, आप अगर कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, मैं बात करूं कि आप पेटीएम चला रहे हैं या फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि जब आप फ्लिपकार्ट में जाते हैं, पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं, तो आपको कहता है गूगल पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं गूगल पे करना चाहता हूं, तो जैसे गूगल पे के क्लिक करते हैं आपको वो सीधा गूगल पे के पास लेके जाता है, यानी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन गूगल पे से कनेक्टेड है किसी तरीके से, तभी जैसे उस पर क्लिक किया वो सीधा गूगल पे पे ले गया और मैंने पेमेंट कर दिया। आप जैसे डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो उसके पास कोई ऐसी कनेक्टिविटी है कि वो मुझे सीधा बैंकिंग एप्लीकेशन से जोड़ देता है और मैं बैंक पे इजीली जाके अपनी पेमेंट कर देता हूँ। इसी तरीके से आप कोई और एग्जांपल ले लें, पेटीएम की बात कर लें या फ्लिपकार्ट की, चलो मैं दोबारा बात करता हूं, तो फ्लिपकार्ट में आप कहते हैं मैंने टिकट बुक करनी है फ्लाइट की, तो वो सीधा आपको इंडिगो की वेबसाइट पे लेके चला जाता है, वहीं से ही वो चेक करके बता देता है कि कितनी फ्लाइट अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है इस फ्लाइट के अंदर या क्या अवेलेबिलिटी है, जो भी है व्हाटएवर। तो यानी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई, यानी वो एक एप्लीकेशन 10 जगह से जुड़ी हुई है। उसी चीजों के लिए हमें आप ऐसा समझें कि जार फाइल्स की जरूरत होती है, यानी हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, हर एक एप्लीकेशन, आप कहें
कि हर एक चीज से जुड़ने के लिए हमें एक फाइल की जरूरत है, उसे हमने यहाँ पे जावा के केस में जार फाइल कहा है। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट में हम जार फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारी जार फाइल हमें चाहिए, और वो अब या तो हम खुद से एक एक करके डाउनलोड करके लाएं चुन चुन के हमें जिस जिस की जरूरत है, या कोई ऐसा बंदा हो जो अपने आप ये काम कर दे। तो अगर हम मैवन के बिना बात करें तो हमें खुद से उन्हें ऐड करना पड़ेगा अपने काम के लिए, जो कि एक मुश्किल टास्क है। सेकेंड चीज होती है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये सही होना बहुत जरूरी है। अपनी मर्जी से आप किसी भी फोल्डर का कुछ भी नाम नहीं ले सकते। डिफाइन होता है कि इस फोल्डर का यही नाम होगा, इस फोल्डर का नाम SRC होगा, इस फोल्डर का नाम मेन होगा, इस फोल्डर का नाम टेस्ट होगा। ये डिफाइन होता है जावा के प्रोजेक्ट में, और मैवन के अंदर भी ये कन्वेंशंस ऑलरेडी होती हैं pom.xml में। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैवन को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अब ये स्ट्रक्चर बनाना ही अपने आप में टेढ़ी खीर है। आपको पता होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है कि यहां इस फोल्डर का नाम क्या होगा, उसके अंदर फोल्डर का नाम क्या होगा, उसके अंदर उसके साथ वाले फोल्डर का नाम क्या होगा, फिर इस फोल्डर के अंदर जो तीन फोल्डर बनेंगे उनका नाम क्या होगा। ये एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है, या फिर आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा, या किसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले। तो ये अपने आप में एक मुश्किल काम है कि भैया फोल्डर तक के नाम याद रखने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैवन ने आपके काम को आसान किया। तो मैं भी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम विदाउट मैवन। पहली प्रॉब्लम जो आई कि जार फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो आई कि आपको उसका स्ट्रक्चर, कौन से फोल्डर बनाने हैं, किस फोल्डर में कौन सा फोल्डर बनेगा, कौन सी फाइल रखी जाएगी, ये अपने आप में इसको क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। यहां ऐसा नहीं है कि बटन दबाया बिल्ड का और बिल्ड हो गया, पूरा कोड रन हो गया, एकदम से उसका बिल्ड हो गया, कंपाइल हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग में आपको फिर कमांड चलानी पड़ेगी जो बिल्ड करेगा, फिर कमांड चलानी पड़ेगी, फिर टेस्ट होगा, फिर कमांड चलाएंगे, फिर रन होगा। यहां पे 10 तरह की कमांड चलानी पड़ेंगी, फिर एक नया मसला खड़ा हो गया, अब वो कमांड सीखो। तो यानी यहां पे ना मुश्किल बहुत थी। तो इन्हीं चीजों को आसान किया मैवन ने। मैवन ने क्या किया, इट मेक्स अ प्रोजेक्ट इजी टू बिल्ड, आपके प्रोजेक्ट को इजीली बिल्ड करता है। बिल्ड क्या होता है जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। इट प्रोवाइड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, ये आपको आपकी प्रोजेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है, कौन कौन सी जार फाइल कनेक्टेड है, किन किन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कनेक्ट की गई है, सब कुछ इंफॉर्मेशन ये आपको देता है। मसलन लॉग डॉक्यूमेंट, क्रॉस रेफरेंस सोर्सेज, मेलिंग लिस्ट, डिपेंडेंसी लिस्ट आपकी क्या है, यूनिट टेस्ट आपके कौन कौन से हुए हैं, सारी चीजों की लिस्ट आपको वहां मिलती है, रिपोर्टिंग आपके पास होती है। इजी टू ऐड न्यू डिपेंडेंसीज, कोई नई डिपेंडेंसी भी ऐड करना चाहते हैं मैवन में कर सकते हैं, प्लगइन्स को ऐड करना चाहते हैं मैवन में कर सकते हैं। अब आप ये ना पूछे प्लगइन्स क्या होते हैं, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो मैवन में भी प्लगइन्स को ऐड किया जाता है, मल्टीपल प्लगइन्स को आप ऐड कर सकते हैं, तो मैवन के पास भी ये है। Therefore, Apache Maven helps to manage. तो Apache Maven क्या क्या करता है, हमारे लिए बिल्ड करता है। बिल्ड मतलब आप कहेंगे आपके कोड को कंपाइल करता है। अब आप कहेंगे सर कोड को कंपाइल करने का क्या मतलब है, तो देखिए आप इसको ऐसे समझें कि मैंने अगर जावा का कोई कोड लिखा है तो उस कोड में भी मैंने कुछ कुछ लिखा होगा ना, मैंने कोई प्रोग्रामिंग की होगी, जैसे सी लैंग्वेज में भी करते हैं इफ एल्स इस तरह की आप चीजें लिखते हैं। यानी हम तो वहां पे अंग्रेजी में ही कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं जिसे हम भी पढ़ पा रहे हैं, भले ही वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वहां पर भी हमने अल्फाबेट्स का ही इस्तेमाल किया। पर मशीन तो अल्फाबेट नहीं समझता, मशीन क्या समझता है, जीरो और वन, इसके अलावा मशीन कुछ नहीं समझता, जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, मशीन तो ये लैंग्वेज समझता है। तो कंपाइलर ही वो चीज होती है जो आपके इस कोड को 01 में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। तो बिल्ड के अंदर ये काम होता है, कंपाइलर ही वो बंदा होता है जो मशीन लेवल लैंग्वेज में आपके सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 01, समझ आ रही है बात। तो आपके सोर्स कोड को आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको 01 में कन्वर्ट कर देता है। तो बिल्ड के अंदर ये काम होता है, कंपाइल कर देता है वो उसको मशीन ताकि पढ़ पाए, फिर उसके बेस पे वो टेस्ट करता है और बहुत सारे काम करता है। फिर अपाचे मैवन और क्या काम करता है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, यानी कि क्या क्या चीजें आपको इस प्रोग्राम को चलाने के लिए और चाहिए वो सब ले लेके आता है, डाउनलोड कर देता है, ये भी काम करेगा। रिपोर्ट्स क्रिएट करता है, कितने आपके फेल्ड हुए हैं बिल्ड, कितने बिल्ड आपके सक्सेसफुल हुए हैं, सारी रिपोर्ट वो बना के रखता है, आपको देता रहता है, इसका काम भी वो करता है। रिलीजेस का काम भी वो करता है, किसका कौन सा वर्जन है, क्या क्या रिलीजेस है, वो सारी चीजें भी वो मैनेज करता है, और डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैवन से रिलेटेड हैं कि मैवन के बिना क्या प्रॉब्लम आएगी और मैवन ने हमारे काम को कैसे आसान किया। अब मैं कुछ और डिटेल में चलता हूं और आगे की बात करते हैं।
अब जरा आगे की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार इस सारे नोट्स का। और अब बात करते हैं कि बिल्ड टूल क्या होता है, बिल्ड क्या होता है, क्योंकि हम बार बार बिल्ड की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज बिल्ड टूल? मैवन भी एक बिल्ड टूल है। ए बिल्ड टूल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर बिल्डिंग अ प्रोसेस। किसी भी कार को करने के लिए जो जो चीजें हमें करनी है वो बिल्ड टूल हमें करके देगा। यानी हमारे कोड को वो कंपाइल भी करेगा, रन भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, सारे काम वो हमें करके दिखाएगा। इट डज फॉलोइंग। सबसे पहले ये क्या करेगा, सोर्स कोड को जनरेट करेगा। जनरेट नहीं करता एक्चुअली में, जनरेट तो आप ही करेंगे, कोड तो आप ही लिखेंगे। ये उसको उठा के लाएगा, अगर GitHub में पड़ा हुआ तो GitHub से उठा के लाएगा। जनरेट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सोर्स कोड, उसके बेस पे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेगा कि मैंने सोर्स कोड जो उठाया है उसकी क्या क्या चीजें हैं, कितनी लाइन का वो कोड है, क्या क्या उसमें डिपेंडेंसीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, वो सारे काम ये वहां से करेगा, डॉक्यूमेंटेशन खुद जनरेट करेगा। कंपाइल सोर्स कोड, फिर उस सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, यानी वो इफ एल्स जो मैंने लिखा हुआ है उसे 0-1 में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो काम किसका होता है, कंपाइलर का। वो कंपाइलर का काम भी ये बिल्ड टूल ही करेगा। तो ये अकेला बंदा कई सारे काम करेगा। फिर ये क्या करेगा, इंस्टॉल द पैकेज कोड इन लोकल रेपो, सर्वर रिपो और सेंट्रल रिपो। रेपो मतलब रेपोजिटरी। तो ये क्या करेगा, जो भी इंस्टॉल है, इंस्टॉल करेगा उन सारे पैकेजेस को, डिपेंडेंसीज को, जो भी मुझे जरूरी है मेरे प्रोजेक्ट के लिए या इस कोड के रन कराने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, व्हाटएवर। तो उन पैकेजेस को ये इंस्टॉल करेगा, डिपेंडेंसीज को बेसिकली ये उठा के लाएगा। कहां से लाएगा, रिमोट रेपो से पहले लोकल में लाएगा, लोकल से फिर ये इस्तेमाल करेगा अपनी वर्क स्पेस में। तो वो भी हम बात करेंगे, अभी मैं इसका आर्किटेक्चर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब हम बार बार ना पॉम की बात कर रहे हैं कि पॉम क्या होता है, पॉम क्या होता है। तो पॉम होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, फुल फॉर्म है इसकी। ये एक काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, आप याद रखिएगा। pom.xml जो है, मैंने शायद लिखा भी होगा, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज pom.xml। तो ये सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मतलब ये है कि इसके अंदर दो चीजें इसके अंदर होती हैं, इस फाइल के अंदर। पहला, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए वो इसके अंदर होगा, और दूसरी चीज इसके अंदर कौन कौन से आपको, मेरा ख्याल है कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी वो भी इसके अंदर होगा। कौन कौन से कंपाइलर्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो इसके अंदर होगा। ये दो चीजें pom.xml के अंदर स्टोर होती है, डिपेंडेंसीज कौन कौन सी चाहिए और कौन कौन से कंपाइलर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है पॉम में होती है। तो पॉम को एक बार पढ़ लेते हैं। पॉम रेफर्स टू द एक्सएमएल फाइल्स, एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फाइल्स दैट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स इसके अंदर होती है, यानी मुझे कौन कौन से टूल चाहिए, कौन कौन सी सेटिंग चाहिए, कौन सा फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर बनाना है, वो सब कुछ पहले से यहां पे होता है। जो मैंने अभी जस्ट आपको जावा प्रोजेक्ट का जब मैं एग्जांपल दे रहा था कि वहां पे वो हमें करना होता है, वो यहां पे ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। इसीलिए पता है मैवन को बोलते हैं कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। जनरली मैवन के लिए हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं कि यहां पे ना कन्वेंशन भी होती है और कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। कन्वेंशन से मतलब है ये चीज पहले से फिक्स है कि आपको एक SRC नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक मेन नाम का फोल्डर बनाना है, या उसके अंदर एक टेस्ट नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक फलाना नाम की फाइल बनानी है। ये सारी चीजें पहले से फिक्स होती है, तो उसे तो बोलते हैं कन्वेंशन, जो पहले से फिक्स है। पर कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं मेन नाम की फाइल बनाऊं, मैं कहता हूं मैं XYZ नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूं, मैं मेन नाम का फोल्डर नहीं बनाना चाहता। तो आप वो चीज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का फोल्डर बना सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम बना सकते हैं, उस फोल्डर के नाम से आप उसका पूरा जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैवन के अंदर फ्रीडम है जो आंट में नहीं था। आंट में ये काम आप नहीं कर सकते थे। अभी मैं डिफरेंसेस बताऊंगा मैवन और आंट में, तब आपको पता चलेगा। तो मैवन में आप कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं जो पहले से डिफॉल्ट सेटिंग है, और आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नहीं जाना चाहते, आप कहते हो मैं अपनी सेटिंग खुद से बनाऊंगा, खुद से करूंगा सब कुछ, खुद से नाम का फोल्डर रखूंगा, सब कुछ करूंगा, वो भी चेंजेस करके आप कर सकते हैं। लेकिन वो तभी करें जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाए। चले, तो ये बात आपको समझ आ गई तो कि फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है। इट
has the description of the project, यानी project से related बातें होती हैं, details regarding the versioning, कौन-कौन से version आ गए हैं, and configuration management of the project. The XML file is in the project home directory. तो ये project home directory के अंदर जो है, ये XML file पड़ी हुई होती है. Versions की भी बात यहाँ पे होती है. देखिए version जब भी किसी चीज़ का आता है ना, तो वो इस तरीके से होता है. 2.3.5 या फिर 20.3.5 इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल. तो याद रखिएगा जब भी किसी चीज का वर्जन इस तरीके से आता है, तो ये जो पहला वाला होता है इसका मतलब होता है मेजर चेंज, इसका मतलब होता है माइनर चेंज, और इसका मतलब होता है पैच, यानी कोई छोटा मोटा चेंज अगर आप करते हैं. तो कभी भी कोई सॉफ्टवेयर वर्जन आते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर को आप उसका वर्जन देखते हैं और वहां पे वो इस कन्वेंशन में लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ये चीज चेंज हुई है उसकी वर्जन की, तो इसका मतलब कोई पैच ऐड हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज, बहुत बारीक सी चीज वहां पे चेंज की गई है. अगर माइनर चेंज है, माइनर चेंज का मतलब कोई स्पेसिफिक फीचर ऐड किया गया है, कोई स्पेसिफिक फीचर को बदला गया है. आप ऐसा समझें कि आपके जैसे एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं, उसमें भी इसी तरीके से इस्तेमाल होता है. आपके मोबाइल में अगर छोटा मोटा कोई चीज चेंज, बुनियादी चेंज किया है, एरो की जगह उन्होंने कुछ और दिखाना शुरू कर दिया है, या कर्सर में, या आपका फोन पहले जिस तरीके से स्क्रीन चेंज होती थी ऐसे करने पर, ड्रैग ड्रॉप स्वाइप करने पर, अब उसका हल्का फुल्का चेंज उन्होंने कर दिया, तो वो पैच में वो कर सकते हैं. अब वो उसने उनको पूरा एंड्रॉइड वर्जन में उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एंड्रॉइड वर्जन के अंदर आपको एक नया फीचर दे दिया कॉल रिकॉर्डिंग का. तो यानी एक नया फीचर ऐड हो गया, यानी एक चेंज उन्होंने पूरा प्रॉपर चेंज किया है उस एंड्रॉइड के अंदर आपके मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो उसे हम माइनर चेंज कहेंगे. हम वर्जन को चेंज करके यहाँ 4 कर देंगे, और 4 नंबर का वर्जन बताता है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ऐड किया है एंड्रॉइड के अंदर. लेकिन अगर 20 से 21 हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा एंड्रॉइड ही चेंज हो गया है. ठीक है, तो एंड्रॉइड का जैसे हम 10 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो 10.4.5 है. लेकिन अगर 10 से 11 ये हो जाता है, तो फिर ये पूरा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन ही नया आ गया. जैसे विंडो 7 है, विंडो 10 है, इस तरीके से. तो पूरा नया वर्जन चेंज हो रहा है, वो मेजर हो जाएगा. माइनर चेंज का मतलब कोई फीचर आपने चेंज किया, ऐड किया. और पैचेस का मतलब वो छोटे मोटे सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं, छोटे मोटे फीचर्स में बुनियादी चेंज किए जाते रहते हैं अगर कोई एरर बार बार आ रहा है. तो ये वर्जन के बारे में भी आपको, खैर चलो, ये पता होना चाहिए. आई होप समझ आ गया होगा. अब pom.xml के अंदर क्या क्या होता है. pom.xml जो फाइल होती है ना, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है ये भी एक बार आपको पता होना चाहिए. मेटाडेटा, मेटाडेटा का मतलब होता है डेटा का डेटा. यानी आप इसको ऐसा समझें कि ये फाइल, मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, या मैंने कोई सोर्स कोड मैंने बनाया, उसकी डेट क्या थी, किस डेट पे बनाया गया, किस डेट पे चेंज किया गया, कब अपलोड किया गया, वो बुनियादी बातें, मतलब डेटा की इंफॉर्मेशन, उसको मेटा डेटा बोलते हैं. डिपेंडेंसीज आपको बता चुका हूं क्या होती है. काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, डॉट जार है, डॉट वार है, कौन से प्रोजेक्ट फाइल आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. काइंड ऑफ आउटपुट आपको कैसा चाहिए, डॉट जार चाहिए, डॉट वार चाहिए. डिस्क्रिप्शन आपकी क्या है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सारी बातें pom.xml में पड़ी हुई होती हैं. तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि pom.xml में क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, और इसके अंदर मेटा डेटा होता है, डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन होती है, इवन कंपाइलर्स की इंफॉर्मेशन होती है, आउटपुट कौन सा होगा, डॉट वार या डॉट जार, ये इंफॉर्मेशन होती है, और उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी वहां पे मेंशन होती है. तो ये सारी चीजें pom.xml में होती हैं, आपको याद होना चाहिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये भी आप याद रखें कि एक pom.xml फाइल के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है, यानी एक pom.xml फाइल के अंदर दो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती. यानी हर प्रोजेक्ट का एक pom.xml फाइल बनेगी, हर प्रोजेक्ट की. आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी एक अलग pom.xml फाइल जरूर होगी. ठीक है, हर प्रोजेक्ट की एक फाइल होती है. तो हर प्रोजेक्ट की एक वर्क स्पेस होता है जिसपे आप कोड लिखते हैं. वर्क स्पेस आपको पता ही है, शेफ के अंदर भी हमारे पास वर्क स्पेस था. वर्क स्पेस मतलब जहां आप अपना काम कर रहे हैं, अपने कोड लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, उसे हम वर्क स्पेस कहते हैं. और एक ही pom.xml होता है. इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है बिल्ड की, सोर्स, कंपाइलर, डिपेंडेंसीज, अब इनकी बात करते हैं. लेकिन इससे पहले फिर मेरे को आपको आर्किटेक्चर मैवन का समझाना पड़ेगा, तो अब मैं आपको पहले वो समझाता हूं. तो अब जरा हम अपने आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, मैवन के आर्किटेक्चर की, कि यहाँ पे क्या क्या है. देखिए मैं अभी आपको यही बता रहा था कि ये रिक्वायरमेंट बिल्ड के लिए क्या क्या है. बिल्ड के लिए हमें तीन चीजें चाहिए. सोर्स कोड हमारे पास होना चाहिए, कंपाइलर और डिपेंडेंसी की इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से कंपाइलर, कौन कौन से डिपेंडेंसीज हम इस्तेमाल करेंगे. तो मैवन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, मैवन कैसे काम करता है, एक बार वो देख लेते हैं. देखिए आपके पास जो आप अपने लैपटॉप पे मैवन इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे बेसिकली एक वर्क स्पेस क्रिएट हो जाता है. वर्क स्पेस वो जगह है जहां पे हमारा मैवन जो है वो काम करता है. उस वर्क स्पेस के अंदर भी
वहां पे एक जगह होगी जहां आपका सोर्स कोड होगा। ये सोर्स कोड आप कहां से, आपने खुद से क्रिएट किया है तो वहां से उठा लेगा, या फिर मैवन जो है गिटहब से जाके आपका सोर्स कोड उठा के लाएगा। तो मैवन ने आपका गिटहब से सोर्स कोड उठा के लाया, यहां पे ले आया। तो कोई भी जब बिल्ड टूल हमारा जब बिल्ड होता है, जब कोई भी कोड हमारा बिल्ड होता है या किसी काम को हम करते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर बिल्ड जहां लिखा है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स कोड, कि हमें सोर्स कोड होना चाहिए जो कि वर्क स्पेस में प्रेजेंट होगा। वर्क स्पेस में वो प्रेजेंट तो होगा, पर आएगा कहां से, गिटहब से आएगा। आपने वहां पे डाला होगा कोई कोड, आपने पूरा कोड लिख दिया किसी एप्लीकेशन का, वो वहां से उठा लेगा। उसके बाद अब उसको ये पता होना चाहिए कि इस कोड को चलाने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, कौन कौन से कंपाइलर्स हमें चाहिए। ये इंफॉर्मेशन डेवलपर कहां पे डालता है, ये इंफॉर्मेशन डेवलपर डालता है pom.xml के अंदर। pom.xml के अंदर ये इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं कि इस कोड को चलाने के लिए ये डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी, ये कंपाइलर्स की जरूरत पड़ेगी। वो जस्ट हमें वहां मेंशन करना है pom.xml फाइल के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। ऐसा करने से वो अपने आप जाएगा नेट पे से उठा के लाएगा, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है, वो भी बता रहा हूं मैं। और तीसरी चीज, अच्छा यहाँ पे गोल्स है। गोल्स का मतलब ये कमांड्स है, जैसे आप जो भी कमांड देंगे ना अपने बिल्ड के लिए, सपोज आपने कमांड दी mvn clean package, ये कमांड मैं दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैवन में कोई कमांड चला रहा हूं, तो वो हर एक कमांड एक गोल कहलाएगी, एक मकसद है, एक गोल है, ठीक है ना। तो जितनी भी कमांड्स हम रन करेंगे मैवन पे वो गोल कहलाती है, तो वो कमांड हमारी यहां पे चल जाएंगी। अच्छी बात है, समझ आ गया। अब मसला ये है कि जो डिपेंडेंसीज है वो नेट पर से कैसे आएंगी, क्या मैवन डायरेक्ट नेट पर से लेके आएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैवन की खुद की एक लोकल रिपोजिटरी बनी हुई होती है आपके लैपटॉप में ही। अगर आपने मैवन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है तो एक लोकल रेपो बन जाती है .m2 के नाम से। ये लोकल रेपो वो जगह है जहां पे वो सारी डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन रखता है, जो जो भी वो लेके आया है नेट पे से। नेट पे से बोले तो रिमोट रेपो में से। रिमोट रेपो और सेंट्रल रेपो दो अलग चीजें हैं। मैंने यहां इसीलिए एक साथ लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज रिमोट रेपो का मतलब होता है कोई सर्वर, मैवन का सर्वर जहां पे सारी डिपेंडेंसीज और इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो आप अपनी कंपनी में भी बना के रख सकते हैं और एज अ रिमोट रेपो यूज कर सकते हैं। सेंट्रल रिपोजिटरी मैवन की जो होती है वो इंटरनेट पे होती है, मैवन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकती है, mvnrepository.com पे हो सकती है, उसे हम सेंट्रल रिपोजिटरी कहेंगे। पर यहां पे हमने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे केस में हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम अगर मेरे लोकल रेपो के पास वो डिपेंडेंसी नहीं है तो वो किसके पास जाएगा मांगने, वो जाएगा रिमोट के पास। रिमोट पे नहीं होगा तो वो सेंट्रल के पास जाएगा, वो अलग बात है। तो अब ये सबसे पहले सपोज यहां पे मुझे कोई चार डिपेंडेंसी चाहिए, 1 2 3 4। अब मैंने ये इंफॉर्मेशन pom.xml में डाली, pom.xml ये इंफॉर्मेशन लोकल रेपो के साथ शेयर करेगा कि मुझे ये डिपेंडेंसी दो। अब लोकल रेपो कहेगा यार मेरे पास तो ये चीजें है ही नहीं, तो वो फिर किससे कम्युनिकेट करेगा, वो फिर अपने बड़े भाई से कम्युनिकेट करेगा रिमोट रेपो के साथ और बोलेगा भाई मुझे ये डिपेंडेंसी चाहिए इस कोड को बिल्ड करने के लिए, प्लीज आप मुझे ये प्रोवाइड करा दो। तो रिमोट रेपो उसको वो सारे का सारा कोड प्रोवाइड कराएगा और लोकल रेपो फिर वो लेकर अपना pom.xml को प्रोवाइड कराएगा और फिर सारी चीजें इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। यानी आप जो चीज लोगे वो लोकल रेपो से लोगे, आपकी मशीन का जो मैवन है, जो उसका वर्क स्पेस है, जो pom.xml फाइल है, वो डायरेक्टली कभी रिमोट रेपो के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी, हमेशा लोकल रेपो के थ्रू करेगी। जो भी चीज चाहिए होगी वो लोकल रेपो से मांगेगा, लोकल रेपो के पास नहीं है तो वो रिमोट से लेकर आएगा और लेकर आने के बाद उसकी एक फाइल अपने पास भी रखेगा, अपनी लोकल रेपो में रखेगा, ताकि फ्यूचर में जब कभी इसकी जरूरत पड़े तो उसे रिमोट के पास ना जाना पड़े। तो यही एक पर्पस है। तो ये एक आर्किटेक्चर है मैवन का। यही मैं यहां पे आपको समझा रहा था कि बिल्ड के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। पहली चाहिए सोर्स कोड। सोर्स कोड कहां से मिलेगा? हमने गिटहब से उठा लिया। दूसरी चीज हमें चाहिए कंपाइलर और तीसरी डिपेंडेंसी। ये कहां से मिलेंगी? आपके पास रिमोट रेपो पे जाएगा, पहले रिमोट रेपो भेजेगा लोकल रेपो के पास डिपेंडेंसी और वो डिपेंडेंसी जाएगी वर्क स्पेस में। ऐसे ही रिमोट रेपो पहले आपकी डिपेंडेंसी को भेजेगा लोकल रेपो में और लोकल रेपो से वो जाएगी वर्क स्पेस में, और वर्क स्पेस का मतलब उसके अंदर pom.xml में। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है मैवन का, मैवन किस तरीके से काम करता है। आई होप यहां तक मैवन की ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी।
अब जो बचे हुए टॉपिक्स है मैवन के वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैवन की थ्योरी इस लेक्चर में पूरी हो जाए, आपको कहीं किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो मेरी कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं इस वीडियो में आपको मैवन से रिलेटेड दे पाऊं। तो मैं अब ये भी डिस्कस करूंगा कि मैवन और एंट जो बड़े फेमस दो बिल टूल है उनमें क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, और कोई छोटी मोटी बातें रह गई हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि लोकल रेपो, रिमोट रेपो, सेंट्रल रेपो में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया ताकि आप इजीली लिख सकें, नोट्स बना सकें और फ्यूचर में उसे रेफर कर सकें। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि लोकल रेपो में आती है चीजें रिमोट रेपो से, रिमोट रेपो पे भी नहीं होती, वो सेंट्रल पे जाती है। तो वो जरा यहाँ पे लिख दिया है मैंने, लोकल रिपोजिटरी रेफर्स टू द मशीन ऑफ द डेवलपर, यानी जिस लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं जहां मैवन इंस्टॉल है वहीं एक लोकल रिपोजिटरी बन जाती है, उसको हम लोकल रेफर कहते हैं। वेयर ऑल द प्रोजेक्ट मटेरियल इज सेव्ड, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो pom.xml फाइल के अंदर सेव्ड रहता है, और जो काम आप करते हैं वो वर्क स्पेस में ही करते हैं। अच्छी बात है। रिमोट रेपो क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिपोजिटरी प्रेजेंट ऑन अ वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर आपकी कंपनी में हो सकता है जहां पे आपने एक रिमोट रेपो बना दिया है, या ये वेब सर्वर कहीं और भी दूसरी जगह पे भी पड़ा हुआ हो सकता है, तो उसे आप रिमोट रेपो कहेंगे। इट रेफर्स टू द रिपोजिटरी प्रेजेंट ऑन अ वेब सर्वर विच इज यूज्ड व्हेन मैवन नीड्स टू डाउनलोड डिपेंडेंसीज। तो जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए हम लोकल रेपो से मांगेंगे, लोकल रेपो के पास नहीं होगा तो वो किससे मांगेगा? रिमोट रेपो से मांगेगा। रिमोट रेपो पहले लोकल को भेजेगा और लोकल से हम डाउनलोड करेंगे, यानी पहले वो डाउनलोड कहां होगी? रिमोट से। पहले वो डाउनलोड लोकल में होगी, फिर लोकल से डाउनलोड हम करेंगे अपने वर्क स्पेस पे pom.xml के अंदर। बड़ी अच्छी बात है। दिस रिपोजिटरी वर्क सेम एज द सेंट्रल रेपो, यानी काम ये सेंट्रल रेपो जैसा ही करती है। व्हेनेवर एनीथिंग इज नीडेड फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी इट इज फर्स्ट डाउनलोडेड टू द लोकल रेपो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले वो लोकल रेपो में डाउनलोड होगा, उसके बाद आपके pom.xml में आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये चीज बड़ी आपको याद रखनी है। और लोकल रेपो में डाउनलोड हो जाएगा तो अगली बार कभी भी अगर वो डिपेंडेंसी आपको चाहिए तो लोकल रेपो आपको एकदम से दे देगा। फिर ये सेंट्रल रिपोजिटरी क्या चीज है? सेंट्रल रिपोजिटरी रेफर्स टू द मैवन कम्युनिटी। मैवन कम्युनिटी जो mvncommunity.com है, वहां पे अगर आप जाएंगे, सॉरी mvnrepository.com, वो एक इनका कम्युनिटी है जहां पे बहुत सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। तो अगर आपके सर्वर में भी नहीं है तो आप कम्युनिटी में जाकर वहां से उठा के ला सकते हैं, वो सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। सेंट्रल रिपोजिटरी रेफर्स टू द मैवन कम्युनिटी दैट कम्स इनटू एक्शन व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ डिपेंडेंसीज। जब भी नई डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है तो कम्युनिटी वहां पे डाल देती है, अपलोड कर देती है, आप वहां से उठा सकते हैं। एंड दीज डिपेंडेंसीज कैन नॉट बी फाउंड इन द लोकल रिपोजिटरी, और ये डिपेंडेंसीज लोकल रिपोजिटरी में आपको नहीं मिलेंगी, आपको कम्युनिटी से ही लेकर आनी पड़ेंगी। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं लोकल और रिमोट के बारे में, सेंट्रल के बारे में। हालांकि इन दो का ही ज्यादा इस्तेमाल आपको नजर आएगा, लोकल और रिमोट का। सेंट्रल में बुनियादी डिफरेंस होता है लेकिन हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना। तो आई होप आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लोकल रेपो, सेंट्रल रेपो ये समझ आ गया होगा, pom.xml का काम समझ आ गया होगा। तो ये सारी चीजें अब आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अब चलें जरा लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। अब जरा मैवन की लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं कि मैवन किस तरीके से काम करेगा, सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा। मैवन भी एक सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो करता है और सारे काम उसी सीक्वेंस में करता है, और वो सीक्वेंस ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। ये आपको और भी जगह मिल जाएगा, मैवन लाइफ साइकिल जो होती है वो यही होती है। पहले नंबर से लेकर 6 नंबर तक मैवन की लाइफ साइकिल यहाँ पे डिफाइन है। यानी सबसे पहले मैवन क्या काम करेगा? जनरेट रिसोर्स, यानी जो भी डिपेंडेंसीज हैं उन्हें वो पुल करके लेके आएगा, चाहे वो रिमोट रेपो से पहले लोकल में आए, फिर लोकल से आपके वर्क स्पेस में आए। लेकिन ये काम सबसे पहले होता है, यानी डिपेंडेंसीज पहले नंबर पे मैवन लेकर आता है। डिपेंडेंसीज आने के बाद दूसरे नंबर पे वो कोड को कंपाइल करता है। यानी पहले नंबर पे हमेशा क्या काम होगा मैवन के अंदर? डिपेंडेंसीज आएंगी, वो डाउनलोड होंगी, अगर लोकल में है तो लोकल से, और अगर लोकल के पास नहीं है तो वो रिमोट से लेकर आएगा, रिमोट रेपो से लेकर आएगा। उसके बाद वो कोड को कंपाइल करेगा, यानी सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जो भी आपने कोड लिखा है जावा के अंदर उसको 0-1 में कन्वर्ट करेगा। तीसरे नंबर पे वो टेस्ट करेगा, उस कोड को टेस्ट करेगा। कोड एक बार आपका यूनिट टेस्ट हो गया, उसके बाद वो उसे बिल्ड कर देगा पैकेज के फॉर्म में, एक पैकेज बना देगा, जार फाइल बना देगा, वार फाइल बना देगा, इस तरीके से। लेकिन फिर अभी कुछ और काम भी होता है, तो
वो होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, लोकल रेपो के ऊपर रख सकते हैं या आर्टिफैक्ट्री में जाके सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने उसको पैकेज को इंस्टॉल कर दिया या कहीं स्टोर कर दिया, ये आप समझे। आपका जब वो पैकेज रेडी हो गया, आपने कहीं इंस्टॉल कर लिया लोकल रेपो में या आर्टिफैक्ट्री में, फिर वहां से आप अपने क्लाइंट के यहां उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि अब वो रेडी हो चुका है। अब आप उसको क्लाइंट के यहां उनके सर्वर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइनली डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट रेडी है और अब आप उसे क्लाइंट के यहां जाके उनके सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये छह जो स्टेप है ये मैवन में फिक्स्ड है। जो सातवें नंबर का स्टेप है ये वो फिक्स्ड स्टेप नहीं है, ये तो क्लीन है। क्लीन का मतलब डिलीट ऑल रन टाइम फाइल्स, तो उनको कभी भी आप क्लीन करना चाहते तो इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, ये कमांड है maven clean package, तो मैंने पैकेज से पहले क्लीन को लगा लिया। क्यों लगा लिया? ताकि जो रन टाइम फाइल्स है वो क्लीन हो जाए, उसके बाद मेरी पैकेज वाली कमांड चले। अब मैं कहता हूं maven install या मैं चलाता हूं maven package, फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूं maven install, मैं चलाता हूं maven install ये वाली कमांड मैं चलाता हूं। तो maven install कमांड चलाने का मतलब है कि मैं पांचवें नंबर की कमांड चला रहा हूं, तो ये पांचवें नंबर की कमांड डायरेक्टली चलेगी। इससे पहले मैवन ये चार काम करेगा, फिर इस काम को करेगा। जब भी आप मैवन की कमांड देंगे तो वो इसी सीक्वेंस ऑर्डर में होगा। आप अगर मैवन पैकेज की कमांड चलाएंगे तो पैकेज से पहले ये तीन काम होंगे ही होंगे, तब चौथे नंबर का काम होगा। यानी मैवन एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और उसी को मैवन लाइफ साइकिल कहा जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी मैंने यहां पर लिख दी है कि बिल्ड लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा ऑफ build phases and each build phase consists of a sequence of goals, और हर phase के अंदर कुछ command होती हैं, कुछ कमांड्स होती हैं पैकेज के अंदर, इंस्टॉल के अंदर। वो कमांड्स को हम गोल्स कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वहां पे वो सीक्वेंस ऑफ गोल्स होते हैं। ईच गोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, जैसे कि मैवन इंस्टॉल ये एक टास्क है, मैवन क्लीन पैकेज ये भी एक गोल है क्योंकि इसमें क्लीन कमांड भी है और पैकेज कमांड भी है। तो ये हमारा गोल है मैवन क्लीन पैकेज, ये कमांड एक गोल की तरह काम करेगी, इससे हमें कोई मकसद हासिल हो रहा है, कोई काम हासिल हो रहा है। When a phase is run, all the goals related to that phase and its plugins are also compiled. So, when a phase is run, all the goals. अच्छा ये मैं थोड़ा सा एक साथ पढ़ गया, कोमा के बिना पढ़ने में ना यही कंफ्यूजन होता है। When a phase is run, all the goals related to that phase and its plugins are also compiled. तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जब किसी फेज पे काम होता है, जैसे मैंने कमांड चलाई maven install, तो install से related जितने plugins हैं, जितने काम हैं, वो सारे किए जाएंगे। maven उन सब का ख्याल रखेगा कि जब install का मैं काम करूं तो कोई काम मेरा रह ना जाए, उससे रिलेटेड सारे काम वो खुद से कर देता है। और यही एक बेनिफिट है maven का, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये बिल्ड टूल है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, या फिर ये डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, इसीलिए ये इतनी सारी चीजों के लिए पॉपुलर है और इंडस्ट्री में जावा डेवलपर्स हमेशा maven पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये एक बात मैं आपसे बताना चाहता था। तो आई होप maven की लाइफ साइकिल भी आपको क्लियर हो गई होगी, सीक्वेंस आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं कि maven में और ant में क्या डिफरेंस है। अब जरा आंट और मैवन के बीच के बुनियादी डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोनों के बीच में बुनियादी डिफरेंस क्या है, देखें सबसे बड़ा बुनियादी डिफरेंस ये है कि आंट इज अ टूल बॉक्स, ये एक टूल बॉक्स है, जबकि मैवन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क वो होता है जहां पे कन्वेंशंस भी होती हैं और उसके ऊपर कन्फिग्रेशन, कन्वेंशंस ओवर कन्फिग्रेशन, यानी आप खुद की कन्फिग्रेशन कर सकते हो, खुद की सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको डिफॉल्ट सेटिंग पे ही काम करना है कि यार ये फोल्डर यहां बनेगा, उसके अंदर यही फोल्डर बनेगा तो मैंने यही रखना है, नहीं। यहां एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, आप खुद का भी डिजाइन कर सकते हैं। आप खुद का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए कि ये फोल्डर होगा, उसके अंदर ये फोल्डर होगा, उसके अंदर ये फोल्डर होना चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क में पॉसिबल है पर आंट में नहीं है। ये दोनों का बुनियादी डिफरेंस है। एक और बुनियादी डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता दूं, इट इज मेनली अ बिल्ड टूल। किसकी बात हो रही है, आंट की बात हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों ही जावा को बिल्ड करने के काम आते हैं, जावा कोड को बिल्ड करने के काम आते हैं जो जावा डेवलपर इस्तेमाल करते हैं। तो आंट जो है वो एक बिल्ड टूल है लेकिन जो खाली बिल्ड कर सकता है, लेकिन मैवन क्या है, मैवन इज कंप्लीटली अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। इसीलिए मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत ही इससे करी थी कि मैवन कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ये सबसे बुनियादी इंपॉर्टेंट बात है मैवन की, तो ये भी मैंने कर ली। चलो अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। मेजर डिफरेंस मैंने आपको सबसे पहले बता दिए, जो हाइलाइट्स हैं।
aunt does not has a formal convention. इसकी खुद की कोई formal conventions नहीं होती हैं कि ये चीज ऐसे ही होगी ऐसे ही होगी. कोई set structure नहीं है, कोई set defined चीजें नहीं है इसके अंदर. So we need to provide information of the project structure in build.xml file. तो हमें खुद से structure define करना पड़ता है, वो structure build.xml file में डालना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो सारे काम करने पड़ते हैं और वो change होते हैं. फिर आपने एक project के लिए कुछ और structure define किया, दूसरे project में आप दूसरा structure define कर रहे हैं, तो उसमें uniformity नहीं रहती, similarities नहीं रहती हैं projects के दरमियान. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. जबकि अगर मैं मैवन की बात करूं, मैवन हैज अ कन्वेंशन, उसके अंदर डिसाइडेड है भैया यही फोल्डर बनेगा, इस फोल्डर के अंदर यही फोल्डर होगा, इसके अंदर यही फोल्डर होगा. अभी मैं दिखाता हूं, इससे अगला एग्जांपल उसी का लूंगा, एक बार डिफरेंसेस क्लियर कर लूं. तो यहां पे कन्वेंशंस डिसाइडेड है टू प्लेस सोर्स कोड, कि सोर्स कोड कहां पे आएगा, कंपाइल कोड कहां पे आएगा, यूनिट टेस्ट कहां पे होगा, सबको डिसाइडेड है. सो वी डोंट नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन pom.xml फाइल. तो ये चीज बताने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चीज ऑलरेडी उसमें होती है, मैवन को पता है वो स्ट्रक्चर क्या है और हर कोई वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है. इसीलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस बंदे ने जो प्रोजेक्ट भेजा है, जिस जो इसने फाइल भेजी है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है. चले दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं. आंट इज प्रोसीजरल, यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू थ्रू कोड. आपको यहां बताना पड़ता है कि कौन सा काम कब किया जाना है, किस टाइम किया जाना है और क्या किया जाना है. जबकि मैवन इज अ डिक्लेरेटिव, यानी यहां पे आप बस डिक्लेयर कर दे कि ये काम होना है, वो कब होना है, कैसे होना है, वो मैवन को पता है. एवरीथिंग यू डिफाइन इन द pom.xml फाइल. क्यों? क्योंकि मैवन की एक लाइफ साइकिल होती है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा उसको पता है. अगर आपने डायरेक्टली भी चौथे नंबर की कमांड उसको दे दी तो उसको पता है पहले तीन स्टेप कौन से होने हैं. इसीलिए मैवन इज अ डिक्लेरेटिव. फिर अगली बात, देयर इज नो लाइफ साइकिल इन आंट. तो यहां पे कोई आंट में कोई लाइफ साइकिल नहीं होती, जबकि मैवन में होती है, इसीलिए वो डिक्लेरेटिव है. फिर मैंने बता दिया मैवन इज अ फ्रेमवर्क एंड आंट इज अ टूल बॉक्स. इट इज मेनली अ बिल्ड टूल, आंट की अगर बात करें, और मैवन क्या है, मैवन इज अ फ्रेमवर्क, और सॉरी इट इज मेनली अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. लास्ट क्या है, आंट कम प्रेफर किया जाता है, मैवन ज्यादा प्रेफर किया जाता है. क्यों किया जाता है? ऊपर की तारीफों की वजह से, जो इसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो इसके अच्छे अच्छे फीचर्स हैं. चले ये बात हो गई, बड़ी अच्छी बात है. अब ना मैं आपको जरा ये कन्वेंशंस भी बता देता हूं एक बार, मेरे ख्याल से ये भी जरूरी है, अदरवाइज मैं इसे स्किप कर रहा था, बट चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैवन में जब हम कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जब फोल्डर्स बनाते हैं, तो वो फोल्डर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, एक उसका भी एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं. तो अब जरा मैवन के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि मैवन में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा. और ये जनरली यूनिफॉर्म रहता है, आप अपना प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं. सपोज आपने न्यू टीजी रख लिया या आपने न्यू प्रोजेक्ट नाम रख लिया, आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिफाइन है मैवन के अंदर, वो फिक्स्ड होता है. वो फिक्स कैसे है कि आपने उसके अंदर दो फोल्डर बनाने हैं या दो डायरेक्टरी बनानी है, एक src नाम से डायरेक्टरी बनानी है, एक pom.xml नाम से डायरेक्टरी आपके पास होगी. दो डायरेक्टरी आप बनाएंगे और src के अंदर जो आपको दो फोल्डर मिलेंगे, src और pom.xml का लेवल सेम होगा. यानी अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, तो एक न्यू प्रोजेक्ट है, इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर दो डायरेक्टरी आपके पास हैं, src और pom.xml. src के अंदर आपको फिर फर्दर दो डायरेक्टरी मिलेंगी, एक मेन के नाम से और एक आपकी टेस्ट के नाम से. सो इन दैट केस, कहने का मतलब ये है कि आपके पास src pom.xml सेम लेवल पे होगा. src के अंदर दो डायरेक्टरी आपको मिलेंगी, एक मेन के नाम से, एक टेस्ट के नाम से. दोनों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी सोर्स कोड आपका होगा, जितना भी सोर्स कोड आपका होगा, जो भी आप कोडिंग करेंगे और सोर्स कोड GitHub से उठा के लाएंगे, वो सारे का सारा आपका इसके अंदर स्टोर रहेगा. और हर स्टेप के बाद, जैसे कि मैवन की लाइफ साइकिल होती है 6 स्टेप होते हैं, तो हर स्टेप के बाद एक टेस्टिंग होती है, उसे हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं. यानी उस स्टेप के बाद की टेस्टिंग, वो टेस्ट कोड जो भी होगा, टेस्ट केसेस जो होंगे, वो सारे कहां स्टोर किए जाएंगे? इस फोल्डर के अंदर स्टोर किए जाएंगे, जो लाइफ साइकिल में हर स्टेप के बाद की टेस्टिंग होगी, यूनिट टेस्ट बोलते हैं. तो यानी वो डिफाइन है कि वो काम कहां किया जाएगा, भाई मेन में किया जाएगा या टेस्ट में किया जाएगा, और src के अंदर यही दो फोल्डर होंगे. तो ये ना, ये सब कुछ डिफाइन है. इवन आपको जो मैंने पिछला अपना GitHub के अंदर से जो मैंने प्रोजेक्ट पे काम कराया था, आप वहां जाके चेक करना, वहां पर भी आपको कोर के अंदर src मिलेगा, src के अंदर आपको मेन और टेस्ट नाम के दो फोल्डर नजर आएंगे. यानी ये फिक्स्ड है.
तो इस तरह का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैवन का होता है, जो जनरली आपको इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। और अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले इस तरह की कुछ बुनियादी बातें, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से मैवन की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके के फोल्डर्स क्रिएट किए जाते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो ये कन्वेंशन जनरली सेम रहते हैं, बट मैंने जैसा कि कहा कि आप चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज मैवन इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाना जरूरी नहीं होता है। तो ये बहुत सारी बुनियादी बातें हैं मैवन के बारे में। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिटेल में यूट्यूब पर किसी ने भी आपको पढ़ाया होगा। जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में जाने की कोशिश की है। मैवन पे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे अभी यहां जरूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में अब इसमें आपको जरूर हेल्प मिलेगी। जब हम मैवन का इस्तेमाल करेंगे, मैवन पे बिल्ड करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो ये लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। आगे अब डिटेल में डेवऑप्स के ऊपर हम जा रहे हैं, और इसीलिए आज हमने डिटेल में मैवन को भी डिस्कस किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलें आज बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। एक शेर यह है कि नफरत के खजाने में तो कुछ भी नहीं बाकी, नफरत के खजाने में तो कुछ भी नहीं बाकी, थोड़ा सा गुजारे के लिए प्यार बचाएं। और आखिरी में बस बात इसी शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरों में, भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। चलें ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।